सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, रिकरेंस फॉर्मूला और लेजेंडर इक्वेशन। दो रिकरेंस फॉर्मूले हम पहले ही दे चुके हैं। थर्ड रिकरेंस फॉर्मूला लेजेंडर इक्वेशन का थर्ड थर्ड रिकरेंस फॉर्मूला को प्रूव करना है। तो वाई द थर्ड रिकरेंस फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा 2m प्लस 1 pn का जो पी डैश एन का 1 माइनस पी डैश एन माइनस है, ये हमको लाना है। वाई द फर्स्ट रिकरेंस फॉर्मूला, फर्स्ट रिकरेंस फॉर्मूले की हेल्प से यानी फर्स्ट रिकरेंस फॉर्मूला लिखेंगे 2n प्लस का 1 x पी एन इक्वल टू होता है n प्लस 1 पी एन प्लस 1 प्लस का n पी एन माइनस 1। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लेंगे, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो 2n प्लस 1 x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, पी एन इक्वल टू हो जाएगा n प्लस का 1 उधर साइड में होगा, सॉरी ये फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन मान के करेंगे। एक बार में इतने को फर्स्ट माना, एक्स को वन माना, तो एक्स का वन हो गया प्लस प्लस टू एन, टू एन प्लस का वन एक्स पी एन डैश, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है, पी एन में भी एक्स हुआ करता है, पी एन यानी एक्स का फंक्शन होता है। उधर हो जाएगा एन प्लस का वन पी डैश एन प्लस वन प्लस एन पी डैश एन माइनस वन। इक्वेशन नंबर टू मान लिया। वाई रिकरेंस फॉर्मूला, रिकरेंस फॉर्मूला सेकेंड, सेकेंड लेजेंडर रिकरेंस फॉर्मूला की हेल्प से सेकेंड रिकरेंस फॉर्मूला है एक्स पी डैश एन इक्वल टू एन पी एन प्लस पी डैश एन माइनस वन। इक्वेशन नंबर थ्री मान लेंगे। ये जो एक्स पी एन डैश की वैल्यू है इक्वेशन नंबर टू में वहीं दिख रहा है, ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट कर देंगे। द वैल्यू ऑफ एक्स पी डैश एन पुट इन इक्वेशन नंबर टू, द वैल्यू ऑफ एक्स पी डैश एन पुट इन इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देंगे। द टू एन प्लस का वन पी एन प्लस टू एन प्लस वन, इसकी वैल्यू है एन पी एन प्लस पी डैश एन माइनस वन इक्वल टू होगा एन प्लस का वन पी डैश एन प्लस का वन प्लस का एन पी डैश एन माइनस वन। उसके बाद टू एन प्लस वन वाला जो है, टू एन प्लस वन में पी एन वाला, टू एन प्लस का वन पी एन और ये टू एन प्लस का वन एन पी एन एक साथ ले लेंगे प्लस टू एन प्लस का वन पी डैश एन माइनस वन इक्वल टू एन प्लस का वन पी डैश एन प्लस वन प्लस का एन पी डैश एन माइनस वन। यहाँ में हमने टू एन प्लस का वन पी एन को वन निकाल दिया है, तो एन प्लस वन और आ जाएगा। हमने कॉमन निकाला टू एन प्लस का वन पी एन, तो उसी का वन प्लस एन इक्वल टू, फिर उनको एक साइड में सेपरेट कर दिया जाए यानी कि पी डैश एन प्लस वन वाला इसको उधर ले जाएं एन प्लस का वन पी डैश एन प्लस का वन प्लस एन पी डैश एन माइनस वन माइनस टू एन प्लस वन पी डैश एन माइनस वन। तो यह हो जाएगा टू एन प्लस का वन एन प्लस का वन पी एन इक्वल टू हो जाएगा एन प्लस का वन पी डैश एन प्लस का वन प्लस या एन माइनस टू एन माइनस वन पी डैश एन माइनस वन। यहाँ पे क्या होगा एन प्लस का वन पी डैश एन प्लस वन, ये बचता है माइनस एन माइनस वन पी डैश एन माइनस वन, इधर चल रहा है टू एन प्लस वन एन प्लस वन पी एन। वहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाला एन प्लस वन हो गया पी डैश एन माइनस वन टू एन प्लस का वन एन प्लस का वन पी एन। अब दोनों साइड से बोथ साइड से एन प्लस वन कॉमन निकल जाएगा, एन प्लस वन को निकाल के कट कर देंगे और आंसर आ जाएगा जो हमको लाना है एन प्लस वन पी एन। यहाँ से एन प्लस वन को निकाला तो पी डैश एन प्लस का वन माइनस पी डैश एन माइनस वन ये कैंसिल हुआ, टू एन प्लस का वन पी एन इक्वल टू आया पी डैश एन प्लस का वन माइनस पी डैश एन माइनस वन प्रूव्ड। यह है थर्ड रिकरेंस फॉर्मूला ऑफ लेजेंडर इक्वेशंस।
as a fourth Lipton's formula again. Lipton's formula number 4. Yeah, Kulama n plus k 1 p n equal to p dash n plus k 1 minus x p dash n. Here the fourth recurrence formula. Why the recurrence formula? Second and third. Second or third ki sahayata se. Second formula hoga p n equal to x p dash n minus k p dash n minus 1. Or third term 2 n plus k 1. P n equal to p dash n plus k 1 minus p dash n minus k. Isse equation banwana hai sir. 2 1. Subtracting kar diya jaye. Subtract yani ghatane par. Subtract karne se kya hoga? Ye jo term hai ye cancel ho jayega. Subtracting. Subtracting में ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये सब पूरा होगा कैंसिल. हाँ बचेगा एन पी एन माइनस टू एन प्लस वन पी एन इक्वल टू एक्स पी डैश एन माइनस पी डैश एन प्लस वन. दोनों साइड में कॉमन वगैरह निकालेंगे, सेट करेंगे, आ जाएगा आंसर. उसके बाद यहाँ पे पी एन कॉमन निकाला, एन माइनस टू एन माइनस वन, और यहाँ पे माइनस कॉमन निकालते पी डैश एन प्लस वन माइनस का एक्स पी डैश ऑफ एन. यहाँ बचेगा माइनस एन माइनस वन इक्वल टू पी डैश एन प्लस वन माइनस का एक्स पी डैश ऑफ एन. यहाँ हो जाएगा माइनस वन कॉमन निकालेंगे एन प्लस वन माइनस का पी डैश एन प्लस वन माइनस का एक्स पी डैश ऑफ एन. माइनस से माइनस साइन कटेगा, बचेगा एन प्लस वन पी एन इक्वल टू पी डैश एन प्लस वन माइनस का एक्स पी डैश ऑफ एन. ये था हमारा फोर्थ रिकरेंस फॉर्मूला ऑफ लेजेंडर इक्वेशन. लेजेंडर इक्वेशन का फोर्थ रिकरेंस फॉर्मूला. चार तक ही ज़्यादा मोस्ट होते हैं, फाइव वगैरह इतना ज़्यादा मोस्ट नहीं है. फाइव सिक्स फिर भी फाइव रिकरेंस फॉर्मूला कर दे रहे हैं. रिकरेंस फॉर्मूला फाइव. रिकरेंस फॉर्मूला फाइव होता है वन माइनस का एक्स स्क्वायर पी डैश एन इक्वल टू एन पी एन माइनस वन माइनस का एक्स पी एन. ये हमको लाना वाई का रिकरेंस रिकरेंस फॉर्मूला सेकेंड एंड फोर्थ. सेकेंड और फोर्थ की सहायता से सेकेंड होगा एन पी एन इक्वल टू एक्स पी डैश एन माइनस का पी डैश एन माइनस वन. एंड फोर्थ आया था, फोर्थ आया था ये इस इक्वेशन फर्स्ट वन इक्वेशन टू वन. पुट इन पुट n की जगह n माइनस वन इन इक्वेशन टू. इक्वेशन टू में n की जगह n माइनस वन रख देंगे तो ये हो जाएगा n n माइनस वन इक्वल टू x x पी डैश n माइनस x पी डैश n माइनस वन. इक्वेशन नंबर थ्री मांगेंगे मल्टीप्लाइंग वन बाई एक्स एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन थ्री. जो इक्वेशन नंबर वन है उसे x से मल्टीप्लाई कर दें, यानी यहाँ को x से मल्टीप्लाई कर दें. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाई एक्स एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री. तो इक्वेशन नंबर थ्री का एन पी एन माइनस वन इक्वल टू एक्स पी डैश एन माइनस का एक्स पी डैश एन माइनस वन. वन को अगर एक्स से सब्ट्रैक्टिंग करते हैं तो एक्स एन पी एन इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी डैश एन माइनस का एक्स पी डैश एन माइनस. अब सब्ट्रैक्टिंग कर दिया जाए, सब्ट्रैक्टिंग में साइन बदल जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल हो गया. तो अगर एन पी एन माइनस वन माइनस का एक्स एन पी एन इक्वल टू एक्स पी डैश एन माइनस का एक्स स्क्वायर पी डैश ऑफ एन. बस पी डैश ऑफ एन वाले एक साइड में सेपरेट कर देंगे, आंसर निकाला.